गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जैसा कि पर डे हम लोग क्लास में लाइव आते हैं शाम को 6:30 बजे, वैसे आज भी हम लोग लाइव आ रहे हैं। सभी लोग जो सेशन की आपके पास लिंक पहुंची है उस लिंक को ज्वाइन करिए और लाइव आ जाइए। लाइव आने के साथ साथ सभी लोग एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक वो बच्चा जो जैट CUET यूपी कैटेट MPET VCEC एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो। जैसा कि जुड़ चुके हैं मिनाल, लालचंद, साहिल, करण, शिवांशु, सैनी, विष्णु, अनिकेत, अनुज, कपिल लैमरोड, शिवांशु वर्मा, काजल प्रजापति, साहिल कुमावत, सूरज देवरा, सभी का स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट में। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। विजय मिश्रा यूपी, स्वागत है आपका। रॉक स्टार अनिकेत एग्रीकल्चर वाला, प्रदीप कुमार मीना, खुशबू, काजल प्रजापति, कौशल कुमार, संदीप कुमार, सभी का जोरदार स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट में। भंवर सिंह, पवन, चलिए सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से फटाफट से शेयर करिएगा। अरशद अली, देखते हैं, जैसा कि आप लोगों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट लेकर के आया है कृषि पर्यवेक्षक का नया बैच, ठीक है, बहुत अच्छे। काजल प्रजापति सर 83% यूपी बोर्ड से, बहुत अच्छे, आगे भी आप प्रयास करते रहिए, प्रयास आपका विफल नहीं जाएगा, आपका यूपी कैटेट में भी सिलेक्शन होगा, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रख के प्रयास करते रहिए। चलिए देखते हैं कृषि पर्यवेक्षक का जो नया बैच है रॉयल इंस्टीट्यूट सभी प्यारे कृषि विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है। नए बैच की खासियत क्या है? बैच हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से चलेगा। और बैच की खासियत क्या है? जो बैच हमारा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलेगा। बैच का पुराना अपना इतिहास क्या है? तो कृषि पर्यवेक्षक 2021 की अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान में पहली रैंक के साथ साथ राजस्थान में टॉप 5 में 4th लगातार 4 रैंक तक रॉयल इंस्टीट्यूट से ही आई है। 1, 2, 3, 4 रैंक तक लगातार कहां से है? रॉयल इंस्टीट्यूट से है, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का इतिहास बता रहे थे। अगर आपको सुपरवाइजर के भविष्य के जो रिजल्ट यानी आने वाले एग्जाम में अगर आप रिजल्ट के इतिहास का पहलू बनना चाहते हैं तो आपका जोरदार स्वागत है नए बैच में। आप भी आइए, जुड़िए रॉयल इंस्टीट्यूट से और अपने इतिहास को बदलिए और अपना एक नया इतिहास बनाइए रॉयल के साथ, कृषि पर्यवेक्षक के साथ। तो आगे हम बात करते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए, जो भी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लॉन्ग ईयर बैच की बात करें तो लॉन्ग ईयर बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलेगा। बैच पहला बैच जो प्रारंभ होगा 15 मई 2023 से पहला बैच स्टार्ट होगा, बैच CUET Z के लिए लॉन्ग ईयर, उसके साथ साथ आपका यूपी कैटेट, ये बैच आपके लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट होंगे 15 मई 2023 से। तो लॉन्ग ईयर बैच से जुड़ने के लिए संपर्क करें रॉयल इंस्टीट्यूट के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से या प्ले स्टोर से जाके रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन ऐप डाउनलोड करिए और उसमें चैट बॉक्स में अपनी समस्याओं को साझा करिए रॉयल की फैकल्टी के साथ, रॉयल की टेक्निकल टीम के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि सभी को पता है थंबनेल के माध्यम से आप सब जान चुके होंगे, आप सबको विदित है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बात करते हैं थंबनेल के माध्यम, सभी जानते होंगे आज हम मक्के की खेती पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो हमने वीट क्रॉप, पैडी क्रॉप कंप्लीट कर ली थी, आज हम मेज के प्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में कंप्लीट मेज पर एनालिसिस हो और डिटेल से एनालिसिस हो। तो एक बार एनालिसिस होने से पहले धमाकेदार शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़े और सभी बच्चों को एक लाभ मिले। चलिए अब देखते हैं मेज क्रॉप, आप सभी लोग मेज का पौधा देखे होंगे, उम्मीद है आप लोग सब लोग मेज के पौधे को देखकर पहचान लेते होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे मेज के जनरल इंट्रोडक्शन पर। जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे सामान्य परिचय में मेज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा कि सभी क्रॉप्स में हम लोग पढ़ के आए हैं उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। क्या देखेंगे? वानस्पतिक नाम,
मक्के का हम लोग क्या देखेंगे, वानस्पतिक नाम देखेंगे। तो वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो क्या नाम होता है, जियामेज होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, जियामेज होता है। अब यही अगर हम बात कर लें कि फैमिली की कुल की बात कर लें कि कुल कौन सा होगा इसका, मतलब इसको किस कुल में रखा गया है मक्के को, तो अगर हम कुल की बात करेंगे तो इसको रखा गया है पोएसी या ग्रैमिनी, इसी को घास कुल भी बोलते हैं। तो एक ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा अगर कुल से संबंधित प्रश्न आएगा, ग्रैमिनी पोएसी या घास कुल आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, वानस्पतिक नाम देखे, कुल देखे, गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात कर लें कि गुणसूत्र संख्या मक्के में कितना होता है, गुणसूत्र संख्या, तो गुणसूत्र संख्या की बात करेंगे 2H बराबर कितना होता है, 20 होता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि गुणसूत्र संख्या बताइए मक्के में, नॉर्मल प्रश्न है, मगर कंफ्यूजन होती है तो नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। अक्सर सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होते हैं, क्यों, क्योंकि जब सरल क्वेश्चन होता है लगता है जब हमारे दिमाग में सरल है तो उसको हम टच जरूर करते हैं, छोड़ते नहीं है। कठिन क्वेश्चन होगा, लगेगा कठिन है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो गलत होने के चांस कम रहते हैं, हालांकि सरल क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके उत्पत्ति स्थान से संबंधित, उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिको। मैक्सिको ठीक है, अब मैक्सिको कहां पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है, अमेरिका में। तो कहीं कहीं आपको दक्षिण अमेरिका भी मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका, ध्यान रखना। बेबीलोन के अनुसार जो सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए तो बेबीलोन के अनुसार दक्षिण अमेरिका है। और अगर ओवरऑल दोनों ऑप्शन मिले आपको और आपको फाइनली आंसर करना हो तो आप मैक्सिको को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका आप दोनों याद रखेंगे, आपको आंसर क्या करना है, सिर्फ मैक्सिको ही आंसर टिक करके आना है आपको पेपर में। आगे हम लोग बात करें कि मक्के में दाना कैसा होता है, दाने का प्रकार अगर देखें, दाना का प्रकार, तो मोस्टली सभी खाद्यान्न फसलों में जो अनाज वाली फसलें हैं, दाने का प्रकार अगर हम देखेंगे कैसा होता है, कैरियोप्सिस होता है। कैसा होता है, कैरियोप्सिस होता है। अगर हम बात करें यहीं पर पुष्पक्रम की बात कर लें, पुष्पक्रम की, तो इसमें दो प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, एक होता है सिल्क, एक होता है टेसल। तो एक होता है टेसल और एक होता है सिल्क, इस पर चर्चा करेंगे कुछ समय पश्चात, डिटेल से चर्चा करेंगे कि टेसल क्या होता है और सिल्क क्या होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें कि इसमें अंकुरण कैसा पाया जाता है, तो जितने भी आपकी ग्रैमिनी कुल के पौधे हैं मोस्टली आप याद रखिएगा अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। कैसा, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अब अधोभूमिक अंकुरण कैसे होता है, तो बात करेंगे जब हमारा मूलांकुर होता है, जो हमारा कोटिलीडन होता है, जब टूटता है, ठीक है, जब अलग होता है, बीज पत्र अलग होते हैं, ठीक है, जब बीज पत्र हमारे जमीन के नीचे ही रह जाते हैं तो उसे हम अधोभूमिक अंकुरण बोलेंगे, जब बीज पत्र ऊपर आ जाएंगे तो उसे ऊपरभूमिक अंकुरण होते हैं। जब एपिकोटाइल वृद्धि कर जाएगा तो जो कोटिलीडन होते हैं ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बीस ही क्रोमोजोम होता है, ये रिमूव हो गया, बीस ही होता है, रिमूव हो गया था। ठीक है, चलिए, तो हम ये जनरल इंफॉर्मेशन है मेज के बारे में। सामान्य से पेपर में कभी कभी आ जाता है प्रश्न कि मक्के का वैज्ञानिक नेम, कुल, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति स्थान क्या है, दाने का प्रकार कैसा है, पुष्पक्रम कैसा है, अंकुरण कैसा होता है, ये सामान्य सी जानकारी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदर्श कपूर, स्वागत है आपका।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मक्के का भुट्टा रखा हुआ है, ठीक है। अब इस भुट्टे से हम लोग जानेंगे कि इस भुट्टे में न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, ठीक है, इसमें पोषक मान इसका क्या क्या होता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। एग्री लाइफलाइन यूपी से प्रणाम, स्वागत है आपका एग्री लाइफलाइन। अब हम लोग बात करेंगे मक्के का दाना है, ठीक है, ये मक्का है, इसका दाना है, इस दाने में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे, बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो जो भी अनाज वाली फसलें हैं, धान्य फसलें हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, समथिंग 70% कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन परसेंटेज जो होता है 10% पाया जाता है। और कौन सी प्रोटीन होती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, जीन प्रोटीन पाई जाती है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी प्रोटीन होती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तेल प्रतिशत की, ऑयल परसेंटेज की, तो 4% क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, तेल प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए इसमें न्यूट्रिएंट फैसिलिटी क्या है, कितने कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और तेल पाया जाता है, ये चीज हम लोग देख लिए। हालांकि जो सामान्य मक्का होता है उसमें जो प्रोटीन होती है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी होती है। अगर हम क्यूपीएम वैरायटी की बात करेंगे तो क्यूपीएम वैरायटी में प्रोटीन रिच वैरायटी डेवलप की जा चुकी है, उन पर भी प्रकाश करेंगे हम लोग, डालेंगे प्रकाश। तब तक के लिए हम लोग एक नॉर्मल सा न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं मेज के ग्रेन में। अच्छा, जो दाने का पीलापन होता है, दाने में जो पीलापन आता है ये किस वजह से आता है, तो जियाजेंथिन, ठीक है, जियाजेंथिन। कहीं कहीं आपको क्रिप्टोजेंथिन भी लिखा मिलेगा, तो घबराएं नहीं, आपको जियाजेंथिन या क्रिप्टोजेंथिन में से एक ही मिलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। जियाजेंथिन आपका क्या होता है, पीले रंग का कारण बनाता है मक्के के भुट्टे का, हल्का पीलापन जो दाने में होता है, ठीक है, वो जियाजेंथिन की वजह से आते हैं। विमल मौर्या, क्लास की टाइमिंग है 6:30 बजे शाम को, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे भुट्टे हैं, हार्वेस्ट करने के दौरान भुट्टे निकल के आए हैं, ठीक है। तो हम लोग इन पर भी चर्चा कर लेंगे कि जो भुट्टे निकल कर आए हैं इनमें हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक है, क्या है, उत्पाद है। अब अगर हम उत्पाद की बात कर लें तो मक्के का अगर हम विश्व में देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो कहां होता है मक्के का सर्वाधिक उत्पादन, अमेरिका में होता है, कहां होता है, अमेरिका में होता है। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है मक्का उत्पादन में, यह भी देख लेंगे। विश्व में भारत का स्थान, भारत का स्थान, तो अगर हम भारत के स्थान पर चर्चा करेंगे विश्व में, तो भारत का स्थान आता है 7th नंबर। मक्का उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर का है, 7th नंबर का है, ठीक है। रवीना जटवाल, बहुत सही, आपकी पहली क्लास है, अब आप कंटिन्यू हो जाइएगा। चलिए, तो हम लोग देख लिए विश्व के केस में कि विश्व में सर्वाधिक मक्का कहां होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है, ये बात हम लोग जान चुके। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेंगे भारत के केस में, कि भारत के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल में कौन है, उत्पादन में कौन है और उत्पादकता में कौन है, ठीक है, उत्पादकता में कौन है। तो क्षेत्रफल की अगर हम करंट डेटा की बात करें, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा मक्के का क्षेत्रफल है प्रेजेंट टाइम में। उत्पादन की बात करेंगे तो कर्नाटक नंबर एक पर है, और उत्पादकता की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश है
और इस चीज से बचे रहेंगे। कहीं कहीं आंध्र प्रदेश को पहले नंबर पे उत्पादन में देता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश पर हेक्टेयर का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसको उत्पादकता की श्रेणी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और बात करेंगे क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा मक्के का बिहार है प्रेजेंट टाइम में, उत्पादन में कर्नाटक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये है मक्के का प्रोडक्शन सिनेरियो भारत के केस में, मक्के से संबंधित हम लोग देख लिए, यहां पर हम लोग विश्व के केस में देख लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग देख रहे हैं कि विश्व और भारत में मक्के के उत्पादन में क्या सिनेरियो रहा है, तो इसको भी हम लोग देखें। इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपस में आप लोग चैट बंद करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, रॉयल इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेकर के आया है 11th और 12th फाउंडेशन बैच, जिसके एडमिशन ओपन है। ऐसे बच्चे जो नीट जेई का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं या सीयूईटी जेड का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, उनके लिए एडमिशन ओपन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से होंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें या फिर प्ले स्टोर पर जाके रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिशन ऐप डाउनलोड करके उससे आप अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अलीगढ़ से जयप्रकाश, स्वागत है आपका। अब हम देखते हैं मक्के के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसा कि हम लोग चर्चा करेंगे मक्के की वैरायटी के ऊपर, कि मक्के का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। अच्छा, ये वर्गीकरण जो सर्टबेंट ने मक्के का 7 भागों में मक्के को बांट के गए, ठीक है, वो वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, अब चाहे वो सीयूईटी एग्जाम ले लो या फिर जेड का एग्जाम ले लो। देखिए वर्गीकरण से कैसे क्वेश्चन आता है, पहला नंबर पूछा जाता है फ्लिंट कॉर्न, दूसरे नंबर पे जो आता है वो डेंट कॉर्न, तीसरे नंबर पर जो आता है पॉप कॉर्न, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉड कॉर्न। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। फ्लोर कॉर्न, बैक्सी कॉर्न, और स्वीट कॉर्न, ये 7th क्लासिफिकेशन जो मक्के का है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इनका सबका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ठीक है, सब वैज्ञानिक नाम भी इसका पूछा जाता है। तो इसके क्लासिफिकेशन पर चर्चा कर लेंगे हम लोग कि क्या क्लासिफिकेशन पर हम लोग देखेंगे। फ्लिंट कॉर्न का जो नाम होता है वो जियामेज, ये तो सब में रहेगा जियामेज, तो आप लोग ये सब में लिखना है जियामेज, तो इस टाइप से ये हमारे पास सुविधा है। ऐसा लिखने के लिए आप लोगों को कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं जियामेज वैरायटी की, अगर हम बात करेंगे वैरायटी की, तो इंडुराटा, इंडुराटा ये इसे फ्लिंट कॉर्न क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसे इंडियन कॉर्न भी बोलते हैं, भारतीय मक्का बोलते हैं। भारत में उगाया जाता है, कहां उगाया जाता है, भारत में उगाया जाता है, इसलिए इसे इंडियन कॉर्न बोलते हैं, भारतीय मक्का बोलते हैं। अच्छा, ये पॉपकॉर्न के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि ये थोड़ा हार्ड होता है, पॉपकॉर्न थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें डेंट कॉर्न की, अगर हम बात कर लें तो इसका नाम जियामेज तो रहेगा ही रहेगा, वैरायटी इंडेंटाटा, इंडियन टाटा ये वैरायटी है। अच्छा, ये डेंट कॉर्न क्यों पूछा जाता है, ये यूएसए में उगाया जाता है, कहां, यूएसए में उगाया जाता है, ठीक है। तो
तो ये भी हम लोग जान चुके कि ये यूएसए में उगाया जाता है। अच्छा, डेंट कॉर्न इसे क्यों कहते हैं? इसका जो दाना होता है उसमें डेंट पड़ा रहता है। हम लोग कहते नहीं है बाइक में डेंट पड़ गया, डेंट मतलब हल्का सा गड्ढे टाइप का बन जाता है दाने के ऊपरी भाग में, तो इसमें डेंट पड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम डेंट कॉर्न है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉपकॉर्न की, तो जियामेज वैरायटी इवर्टा, इवर्टा। अच्छा, जो पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, पॉपकॉर्न हम किस स्टेज पर इसकी तुड़ाई करते हैं? परिपक्व से पहले, परिपक्वता से पहले तुड़ाई कर लेते हैं, या आप कहो तो पॉपकॉर्न बनाने की जो प्रोसेस होती है सीधा उसी पर चर्चा करते हैं कि पॉपकॉर्न बनाने की प्रोसेस पे। तो जियामेज इवर्टा जो होता है इससे पॉपकॉर्न बनाया जाता है। अब पॉपकॉर्न कैसे बनता है? तो वो पॉपिंग प्रोसेस होती है। कौन सी पॉपिंग प्रोसेस? अभी हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि पॉपिंग के थ्रू कैसे पॉपकॉर्न बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो क्लासिफिकेशन है पॉडकॉर्न, तो इसको बोलते हैं वैरायटी ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा। अब अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? इसके दाने में क्या होता है, एक ऊपर से कवर लगा रहता है, एक कवर टाइप का लगा रहता है जिसे पॉड कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पॉडकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग ट्यूनिकाटा क्यों बोलते हैं? ध्यान रखेंगे, इसके दाने के ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, जिसे पॉड फली टाइप का कह सकते हैं, एक कवर के अंदर दाना बंद रहता है, इसलिए इसको पॉड कॉर्न बोलते हैं। फ्लोर कॉर्न की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोर कॉर्न की अगर हम बात करेंगे तो एमाइलेसिया, एमाइलेसिया। अब एमाइलेसिया में एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन की प्रचुरता होती है, इसमें एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन की प्रचुरता होती है। एमाइलेज कितना पाया जाता है? 22% पाया जाता है, और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन की मात्रा 78% पाया जाता है। ये दोनों मिलाकर 100% बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर कॉर्न एमाइलेसिया बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वैक्सी कॉर्न की, तो वैक्सी कॉर्न में हम लोग देखेंगे वैरायटी सेरेटिना, सेरेटिना। अब इससे बैक्स वगैरह, मोम वगैरह बनाया जाता है बैक्सी कॉर्न से। अब बचा हमारा स्वीट कॉर्न, इसका वैरायटी क्या होता है? सेकेराटा, सेकेराटा, जियामेज सेकेराटा। अब इसकी जो तुड़ाई होती है, शुगर परसेंटेज ज्यादा होने के कारण ये मीठा होता है, और कोई भी आप खाद्यान्न फसल देखो तो शुगर परसेंटेज उसमें कब ज्यादा होती है? मैच्योर होने के पहले, परिपक्वता के पहले उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, परिपक्व होने की कंडीशन पे वही शुगर स्टार्च में बदलने लगता है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे, इसको परिपक्वता से पहले तोड़ लेते हैं, परिपक्वता से पहले इसकी तुड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, की तुड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? मीठा मक्का होता है, मीठा मक्का होता है। अच्छा, मीठा किसके कारण होता है? शुगर के कारण मीठा ये होता है। ठीक है, शुगर के कारण मीठा होता है। तो ये सेवेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ मेज था, इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े, इसके सातों प्रकार के नाम भी हम लोग ध्यान दे लिए। और यहां से क्वेश्चन आता सीधा सीधा कि पॉपकॉर्न का नाम क्या है? इवर्टा है, पॉडकॉर्न का ट्यूनिकाटा वगैरह, ये सब क्वेश्चन आता है। आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, ये पॉपकॉर्न वाले दाने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। अब पॉपकॉर्न बनाने के लिए, जो पॉपकॉर्न बनता है हमारा, आप जाते होंगे थिएटर या कहीं भी रेस्टोरेंट में, तो पॉपकॉर्न बनता है किस प्रोसेस के थ्रू? पॉपिंग प्रोसेस के थ्रू। पॉपिंग क्या होता है? पॉपिंग के थ्रू क्या बनता है? पॉपकॉर्न बनता है। अब ये पॉपिंग में क्या होता है? 173 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं हम? भुट्टे को गर्म करते हैं, मतलब दाने को गर्म करते हैं। जब दाने को इतने डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्म करेंगे
ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, दाने को जब इतने डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो जो उसकी नमी है वो किसमें बदल जाएगी, स्टीम में बदल जाएगी, भाप में बदल जाएगी, किसमें, भाप में बदल जाएगी। और स्टीम में बदलने के बाद दाना क्या होगा, फट जाएगा। जब दाना फट जाएगा तो ये पॉपकॉर्न बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉपकॉर्न बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पॉपकॉर्न किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, पॉपिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। पॉपकॉर्न के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। जब 173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मक्के के दाने को दोगे तो उसमें जो मॉइस्चर होगा वो स्टीम में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। जब वो भाप में बदल जाएगा तो मक्के का दाना वष्ट हो जाएगा, वष्ट होने के बाद वो पॉपकॉर्न बन जाता है, दाना खिल जाता है, जिसे हम पॉपकॉर्न बोलते हैं। बड़ा महंगा पड़ता है बनने के बाद, और आप जाएंगे नॉर्मली मक्के का दाना खरीदने तो उतना महंगा नहीं पड़ेगा। ये प्रोसेसिंग का सब कमाल है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉपकॉर्न कैसे बनता है। HRS मौर्य वंशी, बहुत अच्छी बात है, अगर आप जानते हैं तो चलिए। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे ग्रेन्स हैं जो कि सीड रेट हमें दर्शा रहे हैं, बीज दर की बात दर्शाई जा रही है। अब बीज दर मक्के की बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है देखेंगे। पहला नंबर एक तो हम लोग देखेंगे संकुल। अब संकुल की बीज दर हम लोग कितना रखते हैं, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर की दर से बीज दर रखते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे संकर, संकर की बीज दर रखते हैं हम लोग 15 से 25 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रबी में अगर मक्का बोया जा रहा है, रबी ऋतु में, तो रबी के मक्का की जो बीज दर रखते हैं 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम चारा हेतु मक्के की बुवाई कर रहे हैं, चारा हेतु, तो बीज दर कितनी रखेंगे, तो 40 से लेकर 45 केजी पर हेक्टेयर बीज दर रखेंगे, ठीक है। ये है बीज दर जो कि आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके बुवाई के समय की बात कर लें, बुवाई का समय, तो बुवाई के समय की अगर हम बात कर लेंगे, तो बुवाई के समय की अगर हम बात करेंगे तो ये मोस्टली कैसी क्रॉप है, खरीफ ऋतु की है। कैसी है, खरीफ ऋतु की है, परंतु इसे रबी में भी उगाया जाता है, रबी में भी उगाते हैं, किसमें, रबी में भी उगाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसको खरीफ और रबी दोनों में उगाने से किसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि बीज दर इसका कितना है और बुवाई का समय क्या है। मुख्यतः ये खरीफ ऋतु की क्रॉप है, परंतु हम लोग रबी में भी इसकी खेती करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, तो अंतरण की अगर हम बात कर लें, इसमें अंतरण कितना रखते हैं, जो मक्के की बुवाई करते हैं हम लोग उसमें अंतरण कितना रखते हैं, अंतरण की बात आएगी तो 60x20 सेंटीमीटर अंतरण रखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में कि मक्के का जो उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन जो है सर्वाधिक होगा किस ऋतु में, सर्वाधिक होता है रबी ऋतु में मक्का जब बोया जाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, C4 पौधा है, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए रबी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है खरीफ की अपेक्षा। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्पादन रबी ऋतु के मक्के में होता है। अब हम थोड़ी डिटेल और मक्के के बारे में देख लेंगे, जैसा कि जो मक्के का पौधा है कैसा पौधा है, C4 पौधा है, कैसा है, C4 पौधा है। दूसरी बात, पर परागित है, कैसा है, पर परागित है। अच्छा, ये पर परागित क्यों होता है, क्योंकि ये कैसा पौधा है, उभय लिंगाश्रयी है, कैसा है, उभय लिंगाश्रयी है। अब उभय लिंगाश्रयी किसे बोलेंगे, मोनोइसियस को बोलेंगे,
मोनोसियस को बोलेंगे। अच्छा मोनोसियस क्या होता है, एक चीज ध्यान रखेंगे, नर व मादा अलग अलग शाखा पर, नर व मादा अलग अलग शाखा पर होंगे, ठीक है, तो उभयलिंगाश्री कहलाएगा। अच्छा इसमें जो नर होता है ये पहले विकसित हो जाता है, नर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, टेसल कहलाता है, जो पहले विकसित होता है, पहले विकसित होता है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। अब अच्छा नर पहले विकसित हो गया और जो मादा है ये बाद में विकसित हो रही है, ठीक है, बाद में विकसित हो रही है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सिल्क बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये बाद में विकसित हो रही है तो इस नर के लिए मादा की जरूरत होगी पॉलिनेशन के लिए, तो जब पॉलिनेशन के लिए मादा की जरूरत होगी, मादा उसी प्लांट की परिपक्व नहीं हो पाती, इसलिए इसे अदर प्लांट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें क्या होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आगे अगर हम बात करें तो मक्का कैसा है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है, कैसा है, दिवस निष्प्रभावी। अब दिवस निष्प्रभावी की अगर हम बात करें तो डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट है मक्का, कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। ये बात भी हम लोग जान चुके मक्के के बारे में, मक्का C4 परपरागे दिवस निष्प्रभावी। उसके बाद क्या है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है, क्या है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहते हैं किसे, मक्के को कहते हैं। दूसरा फसलों की ड्रोसोफिला बोलते हैं, फसलों की ड्रोसोफिला बोलते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे, फसलों की ड्रोसोफिला बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फसलों की ड्रोसोफिला बोलते हैं। उसके साथ साथ और इसमें क्या हम देख सकते हैं, मक्का क्या है, अनाजों की रानी है, क्या है, अनाजों की रानी है। क्यों अनाजों की रानी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उपज देने की क्षमता जो होती है मक्के में होती है, हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल एमंग सीरियल, इसलिए इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ सीरियल, कि इसमें उपज देने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, अनाजों की रानी बोला जाता है। इसे अविश्वसनीय फसल भी बोलते हैं, मक्के को अविश्वसनीय फसल भी बोला जाता है, इसका और एक नाम है अविश्वसनीय फसल भी कहते हैं, अविश्वसनीय फसल भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये भी इसमें ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो टिलरिंग होता है इसमें टिलरिंग नहीं होता है, ठीक है, टिलरिंग नहीं पाया जाएगा मक्के की क्रॉप में। तो इतने सारे पॉइंट मक्के से रिलेटेड, आप इसको भी याद कर लीजिए कि ये भी पॉइंट मक्के से रिलेटेड हैं और अच्छे पॉइंट हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मक्के से संबंधित चीजों पर, तो मक्के के संबंधित चीजों पर बात करने से पहले रॉयल पब्लिक स्कूल के बारे में हम एक झलक डालते हैं। तो रॉयल पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप से 10th क्लास तक एडमिशन ओपन है, सेशन 23-24 के। अगर जो बच्चा 30 अप्रैल तक एडमिशन लेता है तो उसको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे वैरायटी की, तो वैरायटी पर चर्चा करेंगे, देखेंगे वैरायटी फर्स्ट संकर। तो मक्के की पहली संकर वैरायटी की बात करेंगे तो गंगा फर्स्ट कब बनाई गई, 1961 में बनाई गई, कब बनाई गई, 1961 में बनाई गई, ठीक है। ये हम लोग बात कर लिए, पहली हाइब्रिड की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे संकुल वैरायटियों की, कुछ संकुल वैरायटी जैसे विक्रम, विजय, किसान, आशा, ठीक है, ये वैरायटी क्या है हमारी, अंकुल, ये संकुल वैरायटियां हैं। कैसी हैं, संकुल वैरायटियां हैं। अगर हम बात करें संकर वैरायटियों की, तो संकर वैरायटियों की बात करेंगे तो गंगा 101-2, गंगा 101 हाई स्टार्च, डेक्कन, रंजीत,
ये क्या है, संकर वैरायटी है, ठीक है। मक्के की कैसी है, संकर वैरायटी है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसकी वैरायटियों पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे सिंगल क्रॉस, एक आता है सिंगल क्रॉस, इसको डेवलप किसने किया, ईएम ईस्ट एंड सल ने, ईएम ईस्ट एंड सल ने विकसित किया कब, 1910 में, ठीक है। तो सिंगल क्रॉस की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पारस। कौन सी है, पारस। आप ध्यान रखेंगे सिंगल क्रॉस से डेवलप वैरायटी पारस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डबल क्रॉस टेक्निक, डबल क्रॉस टेक्निक की अगर हम बात करेंगे तो डीएफ जोन्स ने इसको डेवलप किया और आज यही टेक्निक अपनाई जा रही है, डबल क्रॉस टेक्निक। ये क्या होता है, जैसे एक ए और बी के बीच क्रॉस हुआ, इससे मिला हमें एफ वन, ठीक है। यहां सी और डी के बीच क्रॉस हुआ, यहां मिला हमें एफ वन। अब इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तब हमें यहां मिला एफ टू। ये होता है डबल क्रॉस टेक्निक, आजकल प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है यही डबल क्रॉस टेक्निक, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलित है कौन सी, डबल क्रॉस टेक्निक मक्के में प्रचलित है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे वैरायटी से संबंधित, ये वैरायटी आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे ओपेक टू जीन से लाइसिन रिच वैरायटी जो डेवलप की गई, कैसी, लाइसिन प्रधान प्रजातियां, लाइसिन प्रधान प्रजाति जो विकसित की गई जिनमें लाइसिन ज्यादा पाया जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया गया, ओपेक टू, ओपेक टू जीन का। हालांकि ये ओपेक टू वैरायटी है, जीन नहीं है, इसको हम लोग जीन कह देते हैं। तो ओपेक टू जीन का प्रयोग किया गया, इसके प्रयोग से वैरायटी बनाई गई, कौन कौन सी, प्रोटीना, शक्ति और रत्तन। कौन सी बनाई गई, प्रोटीना, शक्ति और रत्तन, ये वैरायटी बनाई गई जिनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा पाई जाती है, लाइसिन रिच वैरायटी मानी जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज, क्यूपीएम वैरायटी, क्यूपीएम प्रजाति। अब क्यूपीएम क्या होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज, इसको भी बनाने में ओपेक टू जीन का प्रयोग किया गया, ओपेक टू का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी वैरायटी डेवलप हुई जो क्यूपीएम वैरायटी के रूप में जानी जाती हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें शक्तिमान एक, शक्तिमान दो, उसके साथ एच क्यू पी एम फर्स्ट, ये वैरायटी डेवलप हुई, इन्हें हम क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी बोलते हैं, जो कि ओपेक टू जीन का प्रयोग करके बनाई गई, ठीक है। ये हम लोग वैरायटी के केस में पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ अलग वैरायटी है मक्के में, जैसे याद रखोगे प्रकाश और पार्वती, प्रकाश और पार्वती ये किसकी वैरायटी है, तो ये ध्यान रखोगे ये किसकी है, प्रकाश और पार्वती बताइएगा, ये बेबी कॉर्न मक्के की वैरायटी है, स्वीट कॉर्न की। तो याद रखेंगे प्रकाश और पार्वती ये बेबी कॉर्न की वैरायटी है। उसके बाद प्रिया और माधुरी, प्रिया और माधुरी ये स्वीट कॉर्न मक्के की वैरायटी है, स्वीट कॉर्न मक्के की वैरायटी है, ठीक है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ठीक है, तो एक चीज और देखेंगे, कुछ अन्य वैरायटी भी मक्के की हैं, जैसे याद रखेंगे शरदमढ़ी, शरदमढ़ी उसके साथ साथ मिनी गार्ड, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है मिनी गार्ड, ये भी क्या है, मक्के की वैरायटी है, किसकी है, मक्के की वैरायटी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लक्ष्मी वैरायटी की, लक्ष्मी की, तो ध्यान रखना रवि ऋतु की वैरायटी है, कैसी,
रवि ऋतु की वैरायटी है। राजस्थान वाले बच्चे ध्यान रखेंगे दो वैरायटियों के, कौन कौन से? माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल क्यों ध्यान रखोगे? क्योंकि ये राजस्थान से निकाली गई हैं। कैसे? राजस्थान से निकाली गई हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि रवि ऋतु में मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सुगरी 75 भी होता है स्वीट कॉर्न, तो रवि ऋतु में सबसे ज्यादा होता है बिहार में। अगर हम बात करेंगे पूरे भारत की, और अगर हम अपने राजस्थान की बात करेंगे तो बांसवाड़ा, अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में रवि ऋतु का मक्का उगाया जाता है। बाकी मोस्टली अगर राजस्थान की बात करेंगे तो खरीफ ऋतु में मक्के की खेती की जाती है। ये है वैरायटियों से संबंधित क्वेश्चन। मक्के की वैरायटी से बहुत रेयर में क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छी वैरायटी है इनसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान दे लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इरिगेशन की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई में हम लोग क्या देखते हैं, अब बात करेंगे इसकी जलमांग कितनी होती है, कितनी इसकी जलमांग की अगर हम बात कर लें, मक्के की जलमांग कितनी होती है, तो 500 से लेकर 800 मिलीमीटर, कितना 500 से लेकर 800 मिलीमीटर होता है। दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे यहां पर, क्या याद रखेंगे, जो मक्का है ये जल भराव के प्रति, जल भराव व पानी की कमी के प्रति, पानी की कमी के प्रति कैसा है, संवेदनशील है। अगर पानी कम है या पानी बहुत ज्यादा भरा है, तो उन दोनों कंडीशन में क्या है, संवेदनशील होगा। इसका कहने का मतलब है जल निकास आवश्यक है मक्के की खेती में। क्या आवश्यक है? जल निकास जो है नितांत आवश्यक है। अगर जल निकास नहीं होगा तो मक्के की फसल अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग मक्के की सिंचाई से संबंधित कि कौन कौन सी स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। अभी तक हम लोग देखे कि जलमांग कितनी होती है, 500 से 800 मिलीमीटर। मक्का जो है जल ज्यादा भर जाएगा तब भी दिक्कत है, जल नहीं है तब भी दिक्कत है, इसका मतलब जल निकास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टेज पर सिंचाई की अवस्थाएं। अगर हम सिंचाई की बात करें तो उसकी अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, सिंचाई अवस्था। तो सिंचाई अवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है टेसलिंग, दूसरी है सिल्किंग, पहली अवस्था है टेसलिंग। अच्छा, आप बात करते हैं टेसलिंग स्टेज, मक्के में क्या होता है, नर पुष्प का निकलना, टेसल होता है नर पुष्प का निकलना, नर पुष्प का निकलना क्या कहलाता है, टेसल कहलाता है। सिल्क क्या कहलाता है, मादा पुष्प का निकलना, मादा पुष्प का निकलना यह सिल्किंग कहलाता है, ठीक है। अब जो नर पुष्प होता है उसको हटाने की क्रिया को डिटैसलिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डिटैसलिंग। डिटैसलिंग क्यों करते हैं, संकर बीज उत्पादन के लिए हम लोग डिटैसलिंग करते हैं, ताकि नर पुष्प को हटा देते हैं और हम मन चाहे तरीके से उसमें पोलन करा पाते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं टेसलिंग नर पुष्प का निकलना, सिल्किंग मादा पुष्प का निकलना कहलाता है। अब बात करेंगे सिंचाई अवस्था, दोनों टाइप की हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हम बात करेंगे उर्वरक की, यहीं पर हम बात कर लेंगे उर्वरक की। तो उर्वरक की अगर हम बात करें तो 80 से 120 केजी जो नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं, 50 से 60 केजी हम फास्फोरस प्रयोग करते हैं, 20 से लेकर 30 केजी हम K2O प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात तो हमें पता चल गई, हम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बट आप इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज कि उर्वरक जो है टेसलिंग अवस्था से पहले प्रयोग कर लेना चाहिए, टेसलिंग अवस्था से पहले प्रयोग कर लेना चाहिए, पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रयोग कर लेना
चाहिए। ये बात हो गई कि जो उर्वरक होते हैं हमारे वो टेस्लिंग स्टेज से पहले ही हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, टेस्लिंग के बाद कोई उर्वरक हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग कृषि पर्यवेक्षक। जैसे कि आप सभी को पता है कृषि पर्यवेक्षक का नया बैच रॉयल इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बैच प्रारंभ है। बैच की जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैच कराए जाएंगे आपके, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होंगे। जैसा कि बैच का अगर इतिहास देखें तो 2021 के रिजल्ट की बात करें तो पूरे राजस्थान में पहली रैंक और उसके साथ साथ टॉप 5 में टॉप 4 रैंक तक लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट का ही रहा। अगर आप इस रिजल्ट से जुड़ना चाहते हैं, इस रिजल्ट का आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच में। तो जिस बच्चे को एडमिशन लेना हो अधिक संपर्क के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या अदरवाइज आप एप्लीकेशन अगर रॉयल इंस्टीट्यूट का इंस्टॉल कर चुके हैं या नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उससे संपूर्ण जानकारी हासिल करें। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है सिल्क क्या होता है, टेसल क्या होता है, ये मक्के का नर पुष्प होता है, इसमें पोलन इकट्ठा होते हैं। सिल्क क्या होता है, मादा पुष्प होता है। भुट्टा क्या होता है, सिल्क वाले पोर्शन से ही निकलता है। तो हम लोग पोलन और सिल्क वगैरह इस चित्र के माध्यम से देख चुके हैं मेज में, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब हम लोग बात कर लेंगे मक्के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे मक्के के लिए अगर हम जलवायु की बात करें, अगर जलवायु की बात करें तो कैसी जलवायु चाहिए मक्के के लिए, गर्म जलवायु चाहिए। कैसी गर्म जलवायु चाहिए जो ज्यादा इल्ड देती है। उसके बाद अगर हम तापमान की बात करें कि मक्के को तापमान कितना चाहिए, तो एक आधारित तापमान होता है, आधारीय तापमान होता है, वो तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा हम देखेंगे अंकुरण के लिए, किसके लिए, अंकुरण के लिए देखेंगे कितना, 21 डिग्री सेल्सियस। वृद्धि के लिए अगर देखें तो वृद्धि सबसे ज्यादा मक्के की होती है हाई टेम्परेचर में, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें अंकुरण की तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, सर्वाधिक अंकुरण मक्के की फसल में ही होता है, सर्वाधिक अंकुरण मक्के की फसल में ही होता है। कितना परसेंट होता है, 90% होता है। सबसे ज्यादा अंकुरण अगर देखा जाए तो मक्के की फसल में ही होता है। कितना, 90% अंकुरण मक्के की फसल में होता है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जीनिया इफेक्ट की बात करते हैं, जीनिया प्रभाव क्या है। अब जीनिया प्रभाव की अगर हम बात करें तो जीनिया प्रभाव को सबसे पहले 1881 में, कब, 1881 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलहेम ओल्वर फॉक्स। विलहेम ओल्वर फॉक्स ने यह बताया, क्या बताया, कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पराग जीन हैं, जो पराग जीन हैं, ये अपना प्रभाव डालते हैं, ये अपना प्रभाव डालते हैं किस पर, किस पर प्रभाव डालेंगे, फल व दानों पर, फल व दानों पर अपना प्रभाव डालेंगे। क्या प्रभाव होगा, आपको दिख रहा होगा कि क्या प्रभाव डाल रहे हैं। जीनिया उसे बोलेंगे जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो ग्रेन या फ्रूट पर अपना क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे, जेनेटिक प्रभाव डालेंगे। देखिए दाने डिफरेंट कलर के हैं, जीनिया इफेक्ट की वजह से हैं। ऐसा सबसे पहले किसने बताया, तो विलहेम ओल्वर फॉक ने बताया 1881 में कि पराग जीन के प्रभाव की वजह से मक्के में दाने एक जैसे नहीं हो पाते हैं, अलग अलग रंग के दाने होने लगते हैं। इसे कहते हैं जीनिया इफेक्ट, ठीक है। तो अगर कभी पेपर में आ जाए जीनिया इफेक्ट पाया जाता है तो मक्के में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लॉन्गियर बैच की अगर हम बात करें तो लॉन्गियर बैच 2023 का पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से।
पहले बैच की ओपनिंग 15 मई से, जो कि CUET जेट कैलेंडर बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बैच संचालित होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं लॉन्गियर बैच के बारे में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मैच से संबंधित, जो कि डिजीज पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है, व्हाइट ब्लड ऑफ मैच किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी से होता है। जिंक की जब कमी हो जाती है तो पत्तियों की कलिकाएं सफेद दिखाई पड़ने लगती हैं। कैसे दिखाई पड़ने लगती हैं, सफेद दिखाई पड़ने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड ऑफ मेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाइट ब्लड ऑफ मेज किससे होता है, तो जिंक की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। आगे हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू, ये किसकी वजह से होता है, ये कवक की वजह से होता है। कवक जो होता है पत्तियों की निचली सतह पर एक पाउडरी फॉर्म में ग्रोथ करता रहता है, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, मृदु रोमिलासिता बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, मृदु रोमिलासिता। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो मृदु रोमिलासिता बोलेंगे, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पर्नोस्पोरा, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा, पर्नो स्क्लेरोस्पोरा सेकेराई सेकेरी, या एक और इसकी स्पेसीज होती है पर्नोस्पोरा फिली पिनेंसिस, फिली पिनेंसिस। ये दो स्पेसीज से होता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे मृदु रोमिलासिता कहते हैं। कवक से होता है, नाम है पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सेकेरी, ये कवक का नाम है जिससे होता है डाउनी मिल्ड्यू। पत्ती की निचली सतह पर एक डाउनी टाइप की ग्रोथ दिखती है। डाउनी ये कहां से आया, कबूतर का जो पिच होता है, कंटूर पिच, रोम पिच, डाउन पिच, जो डाउन पिच होता है बिल्कुल उसकी त्वचा से लगा हुआ होता है, वहीं से टर्म आया है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। नीचे जो ग्रोथ होती है वो डाउनी मिल्ड्यू की वजह से डाउनी मिल्ड्यू दिखाई पड़ता है, फंगस की नीचे की पत्ती के निचली सतह पर ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। आगे अगर हम बात करें स्टेम बोरर की, ये क्या है, कीट है, कैसा है, तना छेदक है, ठीक है, कैसा है, तना छेदक है। इसका नाम क्या होता है, चिलोपार्टेलस, चिलोपार्टेलस। अब ये क्या करता है, तने के अंदर होल करके बैठा रहता है और संपूर्ण तने को खा जाता है, जिससे डेड हार्ट की समस्या उत्पन्न होती है। सीधा आपसे पूछा जाएगा स्टेम बोरर का नाम क्या है, किलोपार्टेलस, चिलोपार्टेलस नाम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, पूरे तने में होल करके तने को खा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच की, तो नया बैच प्रारंभ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं बैच से, अधिक जानकारी के लिए बैच के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब कितने घंटे की होती है, अरे समीर खान भैया जॉब कितने घंटे की होती है, ये चीजें आप पूछोगे। तो अगर हम बात करें सुपरवाइजर की अपनी, तो टॉप 5 में टॉप 4 रैंक तक लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट से ही आई है, जिसमें पहला रैंक भी शामिल है पूरे राजस्थान में। सामान्य वर्ग में पहला रैंक ओम प्रकाश गोदारा, जो कि सुपरवाइजर 2021 का एक अपना अलग इतिहास बनाया। आप भी अगर इस इतिहास से जुड़ना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है इस बैच में। आप रॉयल से जुड़िए और अपने इतिहास को बदलिए और बनिए सुपरवाइजर, एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ पढ़ने का अनुभव लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं मक्के से जुड़ी हुई कुछ अन्य चीजें जो छूट गई हों, उन पर विशेष चर्चा होगी। जो क्राप से संबंधित चीजें छूटी होंगी उन पर बहुत विशेष तरीके से चर्चा होगी। उससे पहले हम चर्चा करेंगे उपज की। तो उपज की अगर हम बात करेंगे, संकुल की अगर हम बात कर लें, तो संकुल की उपज होती है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर यही हम बात करेंगे संकर मक्का की उपज, तो संकर मक्का की होती है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर यही हम बात कर लें हरे चारे की, हरा चारा, तो हरे चारे की उपज होगी 400 से लेकर 500 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। ये मक्के की से संबंधित सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर लिए, उपज के बारे में भी देख लिए। अब कुछ चीजें बची होंगी मक्के से संबंधित, उन पर हम और एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर देखें तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे,
एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा चलाया गया? आईसीएआर द्वारा चलाया गया, आईसीएआर द्वारा चलाया गया, ठीक है, चलाया गया। कौन सा? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका हम लोग फुल फॉर्म लिख लेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट आईसीएआर ने एक पहल की और इसको चलाया 1957 में। 1957 में इसको चलाना शुरू किया। सबसे पहले किस क्रॉप पर चलाया गया, यह क्वेश्चन आता है, किस फसल पर चलाया गया, तो वो हमारी फसल है मक्का, ठीक है, मक्के पर चलाया गया। और 1957 में आईसीएआर ने, ठीक है, ठीक है, तो 1957 में आईसीएआर ने चलाया। अब 57 से लेकर सफलता कब प्राप्त की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ने? 1961 में सफलता प्राप्त की, जब मक्के की पहली संकर वैरायटी डेवलप की, तब यहां से क्या हुआ, सफलता प्राप्त हुई। ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट जो मक्के पे बनाया गया था वो अपने आप में सफल सिद्ध हुआ। अब अगर हम बात कर लें मक्के से संबंधित, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो पूछा जाता है, तो देखेंगे जंपिंग जीन की खोज किस पे की गई, जंपिंग जीन, जो जंपिंग जीन है इसकी जो खोज है किसने की थी? बारबरा मैक्लिंटांग, बारबरा मैक्लिंटांग ने खोज की, किसकी? जंपिंग जीन की। ये कूदने फांदने वाले जीन होते हैं, इसलिए कहीं भी सेट हो सकते हैं, इसको ट्रांसपोज जीन भी बोलते हैं। इसकी खोज हुई मक्के पे, किस पे हुई? मक्के पर इसकी खोज हुई थी, ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल मिला, इनको नोबेल भी मिला इसी खोज के लिए। कब मिला? 1983 में इनको नोबेल मिला, और ये 1940 के समय में खोज हुई थी जंपिंग जीन की, 43 साल बाद इनको नोबेल प्राप्त हुआ, किसके लिए? जंपिंग जीन की खोज के लिए। ये भी किससे संबंधित है? मक्के से ही संबंधित है जंपिंग जीन। तो बात करते हैं आज मक्के की क्रॉप पूरी तरीके से हमारे बीच समाप्त हो गई है। अब हम मिलते हैं कल एक नई क्रॉप के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हमारी तरफ से शुभरात्रि, और बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि अभी 7:30 बजे आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास होने वाली है सोनू सर के द्वारा।